मैं सोनिया सिंह डिजायर गुन क्लासेस में आज हम बनाने जा रहे हैं होली के लिए स्पेशल कलरफुल डोनट्स। तो इसके लिए मुझे चाहिए एक कप मैदा, ईस्ट हम लेंगे इसके अंदर, ईस्ट हम इसमें ले रहे हैं एक टीस्पून, शुगर जो कि हमने पाउडर कर रखी है 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून ऑयल, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 5-7 ड्रॉप्स इसमें जाएंगी पिंक कलर की, व्हाइट चॉकलेट जिसको हम मेल्ट कर लेंगे, डार्क चॉकलेट, डिफरेंट टाइप के आपके पास डोनट कटर्स होने चाहिए। अगर आपके पास डिफरेंट साइज के डोनट कटर नहीं है तो फिर आप आउटर शेप के लिए ग्लास और सेंटर के लिए कोई भी बॉटल का ढक्कन यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं इसके लिए डो, जिसमें हम सबसे पहले डाल देते हैं मैदा। अब डालते हैं इसके अंदर ईस्ट, ऑयल, शुगर, सॉल्ट, सब चीजों को अच्छे से हम पहले मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं जो ईस्ट यूज कर रही हूँ वो इंस्टेंट ड्राई ईस्ट है, जिससे कि ये जल्दी से फर्मेंट हो जाए। इसको हम डायरेक्ट मैदे में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं ले रही हूँ ल्यूकवॉर्म वाटर, ना बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा ठंडा। इससे मैं डो लगा देती हूँ। डो लगाने के लिए थोड़ा सा अच्छे से इसको हम मिक्स करते हैं सभी चीज़ों को, और फिर हम इसका अच्छे से बीटिंग करके डो लगाएंगे और उसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रखेंगे OTG में, जिसको मैं प्रीहीट करके ऑफ कर दूंगी। अगर आप OTG में नहीं रखना चाहें तो आप धूप में भी उसको रख सकते हैं। तैयार करते हैं डो। डो हमने तैयार कर लिया है, लेकिन इसकी थोड़ी सी हमें करनी है बीटिंग, ताकि ईस्ट अच्छे से इसका रिस्पॉन्स दे सके। तो बीटिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। ये जस्ट लाइक ब्रेड का डो ही होता है। डो आप देख सकते हैं थोड़ा सा पतला है। इसकी हम अच्छे से बीटिंग करेंगे और फिर हम इसको रखेंगे OTG में। डो हमारा तैयार हो गया है और इसको मैं थोड़ी सी अच्छे से एक अच्छी सी बॉल बना रही हूँ, और सारा मैं यहाँ पे इसको फोल्ड करते करते बॉल को यहाँ पे ले आऊँगी। बिल्कुल अच्छे से बॉल कर रहे हैं, पैकिंग अच्छे से करनी है ताकि इसमें फर्मेंटेशन अच्छे से हो, एयर बिल्कुल ना जाए। तो ये मैंने सारा सेंटर इधर कर दिया और इसको भी मैं कर देती हूँ लॉक, और इसके बाद इसको मैं रख देती हूँ स्टील के बाउल में और इसको फॉइल से कवर करती हूँ। इसको फॉइल से इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि हम इसकी अच्छे से पैकिंग कर सकें। आप चाहें तो, क्योंकि हम इसको OTG में रख रहे हैं गर्म जगह पे, या फिर आप धूप में हल्का गीला कपड़ा लगा के भी कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी बिल्कुल टाइट पैकिंग कर दूंगी और इसको मैं 1 घंटे के लिए तकरीबन गर्म जगह पे रख रही हूँ। आप चाहें तो OTG में रखें, चाहे आप धूप में थोड़ा सा रख सकते हैं, माइक्रोवेव को प्रीहीट करके भी रख सकते हैं। मैंने OTG को प्रीहीट किया हुआ, ये मैंने इसकी पैकिंग कर दी। अब मैं OTG में 1 घंटे के लिए रखूँगी। डोनट्स के लिए हमने डो को जो रखा था उसको 1 घंटा हो गया है। तो चलिए अब हम इसको खोल के देखते हैं कि ये कैसा हो गया है। तो ये देखिए डबल क्वांटिटी हो गई है, बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको वापस से बीट करूँगी और अब हम इसको वापस से हल्का सा बीट करेंगे और इसकी बॉल्स बना के इसके डोनट्स कट करेंगे। तो चलिए मैं अब इसको बेलती हूँ। ये मैंने इसको अच्छे से बीट कर लिया है और वापस इसकी मैंने बॉल तैयार करी। अब मैं इसको थोड़ा सा सूखा मैदा लगा के बेलना स्टार्ट करती हूँ ताकि हम इसको आराम से बेल सके। अब इसको हल्का मोटा बेल लेती हूँ। ये मैंने इसको बेल लिया। अब मैं डोनट कटर से इसको मैंने थोड़ा सा हल्का सा सूखा मैदा लगा लिया है और इससे मैं इसकी कटिंग करती हूँ। ये मैंने डोनट्स कट कर लिए। इस तरीके से मैं सारे डोनट्स कट कर लेती हूँ और अलग साइज़ के, जिस साइज़ के आप चाहें वो आप कटिंग करेंगे। ये मैंने कटर से कट कर लिए हैं। बहुत ज़्यादा मैंने मोटे नहीं रखे हैं। अब इनको मैं गर्म जगह पे वापस से 10 मिनट के लिए रखूँगी
तो माइक्रोवेव को मैंने प्रीहीट किया हुआ है 10 मिनट के लिए। इसको मैं क्लिंग फिल्म से या फिर फॉइल पेपर से कवर करके इसको 10 मिनट रखूंगी, फिर हम इनको डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए 10 मिनट के लिए पहले रखते हैं इनको। नट्स को हमने कट करके वापस से गर्म जगह पे रखा था, तो ये देखिए काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं और एकदम लाइट हैं। तो अब मैं इनको करती हूँ डीप फ्राई। देखिए साइज़ भी डबल हो चुका है, तो बिल्कुल हल्के हैं ये। तो चलिए अब हम इनको डीप फ्राई करते हैं मीडियम फ्लेम पे, तेज आंच पे बिल्कुल नहीं फ्राई करना है। धीरे धीरे करके हम इसमें डालते हैं। देखिए बिल्कुल तेज़ नहीं होना चाहिए ये, बिल्कुल मीडियम भी नहीं, लो फ्लेम पे ही मैं इनको डाल रही हूँ। और ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट और फूले हुए बनेंगे। बस एक बार में हम इसमें 4 से 5 ही डालेंगे, फिर नेक्स्ट बैच में बाकी करेंगे। देखिए बिल्कुल लाइट कलर आया है अभी, एकदम जाते ही ब्राउन हो जाएंगे तो वो अच्छा नहीं है, अंदर से अच्छे से नहीं सिकेंगे। बिल्कुल राउंड शेप हो गई है, फूल गए हैं बिल्कुल अच्छे से, बहुत लाइट बने हैं। तो बस आप जब इसका डो लगाएं तो बिल्कुल अच्छे से इसकी बीटिंग करनी है, गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन हम इसको करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे ही सेक रही हूँ ताकि अंदर से अच्छे से सिकाई हो। आप चाहें तो इनको बेक कर सकते हैं, बट ऑथेंटिक रेसिपी में यही है कि हम इसको डीप फ्राई करते हैं। और मैंने चॉकलेट को मेल्ट होने के लिए रखा है, वाइट और डार्क चॉकलेट दोनों को गरम गरम पे ही हम उस पर चॉकलेट अप्लाई करेंगे। जल्दी से हमारे ये ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, आप इसका कलर देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा है। ये एकदम ड्राई हो जाएंगे थोड़ी देर में, बिल्कुल हैवी नहीं लगेंगे। तो इनको मैं सारे निकाल लेती हूँ और सेकंड बैच भी इसका गर्म कर लेती हूँ। डीप फ्राई बचे हुए डोनट्स को भी हम डीप फ्राई कर रहे हैं। चलिए मेल्टेड चॉकलेट मैंने रखी हुई है, डोनट्स रेडी थे, हमने उनको डीप फ्राई करके निकाल लिया है। और ये हमारे डोनट्स हैं, बिल्कुल ड्राई हैं, हैवी नहीं लगेंगे आपको बिल्कुल खाने में। तो इनको आप चाहें तो सिर्फ आइसिंग शुगर स्प्रेड करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा वाइट चॉकलेट में डिप करूँगी और थोड़ा सा पिंक में करेंगे। तो ये मैंने वाइट चॉकलेट में डिप किया और ये मैंने रख दिया, वापस से वाइट में डिप किया और रख दिया। अब मैं इसमें वाइट के अंदर थोड़ा सा डालती हूँ पिंक कलर और मिक्स कर देती हूँ पिंक कलर को, थोड़ा सा कलर चेंज करने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए। तो ये मैं इसको पिंक कलर का कर रही हूँ, बिल्कुल अच्छा सा कलर लगेगा। तो आप चाहें तो इसमें स्ट्रॉबेरी ऑयल बेस एसेंस भी डाल सकते हैं। अभी मैं पिंक कलर में डिप कर देती हूँ, ये पिंक कलर के रेडी हो जाएंगे। अब करते हैं डार्क चॉकलेट में डिप, ये डार्क चॉकलेट में कर दिया डिप। थोड़ी सी गार्निशिंग और करते हैं इनके ऊपर। डोनट्स रेडी हैं, स्प्रिंकल्स मैंने और डाल दिए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ट्राई ज़रूर करें डोनट्स विदाउट।